हाँ जी बताइए क्या करेंगे आप सर। यूनिवर्सल स्टेंसिल से डुअल डेकर सीपीयू बना रहे हैं सर। कौन से स्टेंसिल से बना रहे हैं आप? यूनिवर्सल से सर। यूनिवर्सल से डुअल डेकर बना रहे हैं जी सर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले। तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। क्या कर रहे हैं आप? सर डायोड ड्यूट रहे हैं। अच्छा, सैमसंग के किसी भी में। अच्छा, तो आपको जितने कंपोनेंट है सब पढ़ाए गए? जी सर, सब कंपोनेंट। सब कंपोनेंट का काम मालूम है? जी सर, मालूम है। अच्छा, तो कोई भी कंपोनेंट का क्या वर्क है आप बता सकते हैं? जी सर, अगर डायोड सीरीज में लगा है तो भी मालूम है, पैरेलल में लगा तो भी मालूम है। तो भी मालूम है सर। अच्छा, कैपेसिटर सीरीज में क्या काम करता है ये भी मालूम है? जी सर, पैरेलल में लगा है तो ये भी मालूम है। जी सर। क्या कर रहे हैं? मैं कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो सारे कंपोनेंट आप चेक कर सकते हैं? अच्छा, इधर देखिए, इधर देखिए, आप उधर चेक कीजिए, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं यहाँ। यस सर। हाँ, सभी का काम भी मालूम है आपको? यस सर। अच्छा, तो कैसा नॉलेज मिला आपको? नॉलेज कंपोनेंट का कैसा मिला नॉलेज आपको? अच्छा नॉलेज मिला। अच्छा, देव सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाता है। अच्छा,
क्या कर रहे हैं? सर कंपोनेंट टेस्ट कर रहा हूँ सर। सारे कंपोनेंट कर सकते हैं? सारे कंपोनेंट का काम मालूम है आपको? रजिस्टर, कॉइल, डाइवर्ट, कैपेसिटर। जी, अगर कैपेसिटर अगर सीरीज में क्या काम करता है ये पता है आपको? जी सर। पैरेलल में क्या काम करता है ये पता जी है आपको? चलो बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। हाँ, तो सारे कंपोनेंट आप चेक कर सकते हैं? जी हाँ सर। सभी का काम मालूम है आपको? जी। अच्छा, तो सीरीज में कैपेसिटर क्यों लगा, पैरेलल में क्यों लगा है, सीरीज में क्या काम जी, है पैरेलल जी, में क्या काम है, अगर डायोड अगर सीरीज में लगा है जी तो क्या क्या काम करता है ये पता है आपको? जी हाँ। किन सेक्शंस में आता है सीरीज में ये पता है आपको? जी। अच्छा, अगर अगर मैं बात करूँ कि अगर रजिस्टर रजिस्टर आपको 90% कहाँ मिलता है, कैसा अवस्था में मिलता है, 90% आपका कैसा लगा होता है रजिस्टर? सीरीज। चलिए ठीक, थैंक यू। डायोड चेक कर रहे हैं सर, कंपोनेंट्स। तो सारे कंपोनेंट चेक कर लिए आपने? यस सर। तो सारे कंपोनेंट का काम मालूम है आपको? यस सर। आप बता सकते हैं कि अगर डायोड सीरीज में क्यों लगा है और पैरेलल में क्यों लगा है? पैरेलल में सर नहीं बताना नहीं है आपको यहाँ पर, क्योंकि आप फीस दे के बैठे हैं। यस सर। हम आपसे खाली यही पूछ रहे हैं कि जो आपकी क्लास हुई वो क्लास में जो सर से क्लास लेके आए, देव सर से क्लास लेके आए, उसका वाकई में प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रही है सर। बिल्कुल हो रहा है? यस सर। अभी कंपोनेंट की बात करें तो दोनों क्लास हो चुकी है आपकी? जी। तो हो गया आपका? जी। क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो कंपोनेंट की पूरी क्लास हो गई है आपकी? हाँ सर। अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप? हाँ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कोई ऐसा कंपोनेंट जो ड्रेसिंग में नहीं मिल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो या इस टाइप से? नहीं सर, समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। तो आप कोई सी भी पीसीबी में अपने कंपोनेंट ट्रेस कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। सीरीज में क्यों लगा है, पैरेलल में क्यों लगा, इसका कारण मालूम है आपको? मालूम है। क्या टेस्ट कर रहे हैं सर? अच्छा, हमारे कंपोनेंट के पास है, कंपोनेंट की टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो सीधे बिना पढ़ाए कंपोनेंट टेस्ट करने बैठा दें कि इसकी पूरी क्लास हुई है? पूरी क्लास हुई है सर। हमारी क्लास हुई। किनके साथ की क्लास आपकी? सर देव सर के साथ थ्योरी थे, अभी हमारा एनडी सर के साथ हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है सर। तो ये बताइए मेरे को कि आपके सारे कंपोनेंट हो चुके हैं, तो अभी आप जो लेटेस्ट पीसीबी A50 M31 की पीसीबी लेके बैठे हैं, तो आप इसमें कंपोनेंट ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे? ढूंढ पा रहे सर। ढूंढ पा रहे? यस सर। अच्छा, चारों कंपोनेंट ढूंढ लिया आपने? यस सर। काम भी मालूम है आपको क्या? यस सर।
क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर चेक कर रहे हैं सर। खाली कैपेसिटर चेक कर रहे हैं कि सारे कंपोनेंट चेक कर रहे हैं? सारे कंपोनेंट चेक कर रहे हैं सर। सारे कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। हाँ जी सर। है ना, अगर अपन बात करें रजिस्टर के चार टाइप, है ना? हाँ जी सर। जो भी आपको बढ़ाए, हाँ, वो कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, डायोड के काफ़ी प्रकार होते हैं, सारे फायर हैं। हाँ जी। तो ये लेटेस्ट पीसीबी में आप फाउंड कर रहे हैं, तो आपको सब फाउंड हो रहे हैं इसके अंदर? हाँ सर, फाउंड हो रहे हैं सर। क्यों सीरीज में लगा, क्यों पैरेलल में लगा, इसका मतलब मालूम है? हाँ सर। क्या पूरे कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर मोड पे रख के चेक कर सकते हैं? वो नाम है आपके पास? हाँ सर। चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी आप? कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, तो कंपोनेंट, आज आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, कल भी कंपोनेंट की क्लास थी, है ना? यस सर। तो आपका सब कुछ कंपोनेंट फाइनल हुआ कि नहीं आज? फाइनल हो गया सर, पूरा फाइनल हो गया। अगर दुनिया की कोई भी पीसीबी आपको देता, अगर मैं अभी आपके सामने आईफोन की पीसीबी रख दूँ, उसके अंदर के कंपोनेंट टेस्ट करके आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? दो मिनट में बता दूंगा सर, पूरा दो मिनट में बता दूँ। क्या काम होता है कंपोनेंट का? सीरीज में लगाया तो क्यों लगाया, पैरेलल में लगाया तो क्यों लगाया, ये पता है आपको? जी सर, पूरा पता है। क्या कर रहे हैं आप? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं सर। कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं, पूरी पीसीबी भरी है कंपोनेंट से, तो उसका पूरा पीसीबी का कंपोनेंट चेक कर लेंगे सर। जी, पूरा पीसीबी का कंपोनेंट चेक कर लेंगे सर। आप पूरी पीसीबी का कंपोनेंट चेक करने में सक्षम हैं आज? यस सर। ठीक है, तो कंपोनेंट सीरीज में क्यों लगाया, पैरेलल में क्यों लगाया, ये पता है? यस सर, पता है सर। क्या कर रहे हैं आप? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं सर। कंपोनेंट तो बहुत सारे पीसीबी में, और बहुत सारे काम, अलग अलग काम होते हैं, तो सब मालूम है आपको? वही चेक कर रहे हैं सर, मालूम है। जी, चेक कर रहे हैं सर, मालूम है सर। मालूम है आपको? अभी नॉलेज मिला आपको? बिल्कुल मिला सर। अच्छा, तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 20 मिनट में सारे कंपोनेंट चेक करके बता दो, तो बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। नॉलेज है आपके पास? बिल्कुल है। सीरीज में लगा है तो क्यों लगा है, पैरेलल में लगा है तो क्यों लगा है? जी सर। पता है आपको? जी। अच्छा, परसेंटेज भी पता है आपको? परसेंटेज भी पता है कि मतलब पैरेलल का परसेंटेज कितना है और सीरीज का परसेंटेज कितना है? जी पता है। बताइए मुझे कि अभी कंपोनेंट की क्लास चल रही है, कंपोनेंट का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो किस तरीके से प्रैक्टिकल चल रहा है, आपको नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ? सर हाँ, कोई भी पीसीबी मेरे पास हो सर, मैं 2 या 3 मिनट में चेक करके बता सकता हूँ कौन सा कंपोनेंट कहाँ है और कौन सा है। अच्छा, सीरीज में लगा है तो क्यों लगा है, पैरेलल में लगा तो क्यों लगा है, ये पता है? यस सर, पता है। चलिए ठीक है।
क्या कर रहे हैं आप? सर कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हैं सर। कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हैं आप? जी सर, ये चेक कर रहे हैं सीरीज भी कौन सी है और कलर कौन सी है, इसका वर्क भी पता है मुझे और कंपोनेंट की पहचान भी है अच्छी तरह से, वैल्यू वगैरह सब निकाल सकते हैं। कंपोनेंट का काम बोलूँ तो कंपोनेंट का काम मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है सर, कंपोनेंट के काम भी मालूम है, उसके वजह से क्या फॉल्ट आ जाएगा वो भी थोड़ा बहुत पता है सर। अच्छा, तो अगर अभी पूरी पीसीबी जो आपके हाथ में लेटेस्ट मॉडल आप सैमसंग का ट्रेस कर रहे हैं, अगर पूरी पीसीबी के कंपोनेंट के बारे में बात करूँ मैं तो आपको सारे कंपोनेंट के बारे में मालूम है? डायोड का बात करूँ सीरीज में क्यों लगा, पैरेलल में क्यों लगा है, सीरीज में कैपेसिटर क्यों लगा है, रेजिस्टर क्यों सीरीज में लगा है, आपको पता है? सब कुछ पता है। अच्छा, आने वाले फॉल्ट भी बताएं आपको? ये थोड़ा बहुत पता है। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि डिवाइडर सर्किट कैसे बनता है तो ये पता है आपको? सर पता है। सर्किट कैसे बनता है ये पता है? पता है सर। लाइव हैंडसेट से कंपोनेंट चेक कर रहे हैं, कंपोनेंट की क्लास है तो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, तो आपको नॉलेज मिला है कि सीधे बैठ गए आप किसी भी पे प्रैक्टिकल? सर पहले थ्योरी हुई है। पहले थ्योरी किन्हें पढ़ाया? सुदेव सर ने। देव सर ने पढ़ाया, तो वो नॉलेज वो चीज़ मिली आपको जिसकी तलाश में आप यहाँ आए थे। अभी मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट आप ट्रेस कर पा रहे हैं सारे? सर सीरीज में क्यों लगे हैं, पैरेलल में क्यों लगे हैं, क्या काम है इनका? सर पूरा क्या कर रहे हैं सर? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं सर। तो सारे कंपोनेंट्स का आइडिया है? जी सर। कौन सा सीरीज में होता है, कौन सा पैरेलल में होता है, पैरेलल में अगर लगा है तो क्या काम है और सीरीज में लगा है तो क्या काम है? जी सर आइडिया। अच्छा, अगर मैं आपसे डायोड का पूछूं कि डायोड सीरीज में क्या काम करता है, पैरेलल में क्या काम करता है, यह मालूम है आपको? जी सर। कितना परसेंट रेशो होता है डायोड का पैरेलल में पीसीबी में, ये पता है आपको रेशो? जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? हेलो, क्या कर रहे हैं सर? कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट आप चेक कर रहे हैं तो ये बता सकते हैं कि कैपेसिटर पैरेलल में कितने परसेंट आते हैं और सीरीज में कितने परसेंट आते हैं? जी सर बता सकते हैं। रजिस्टर का परसेंटेज सीरीज में कितना होता है, पैरेलल में कितना होता है? जी सर बता। कहाँ पे पैरेलल में लगते हैं, कहाँ पे सीरीज, कौन से सेक्शंस में सीरीज में लगते हैं, ये बताएं आप? जी सर। और मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी जो आप कंपोनेंट आपकी क्लास हुई तो कंपोनेंट की क्लास में अभी आप चारों कंपोनेंट जो जितने भी कंपोनेंट आपको बताए हैं उसको पूरा फाइंड आउट करके आप ट्रेस कर सकते हैं? जी सर। सक्षम है आप? एकदम सक्षम हूँ सर। जी सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, बताया आपने? यस सर। अच्छा, रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। Thank you.
तो सारे कंपोनेंट चेक करवा रहे हैं आप पीसीबी में? जी सर। आप तो बहुत लेटेस्ट पीसीबी लेके बैठे हैं या सैमसंग का पीसीबी लेके बैठे हैं? जी सर। तो आप सारे चेक करने में सक्षम हैं? बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि पावर सेक्शन में कितने माइक्रो हेनरी की कॉइल्स आती हैं, ये पता है आपको? जी सर। ग्राफिक सेक्शन में कितने माइक्रो हेनरी की आती है, ये पता है आपको? जी सर। लाइट सेक्शन में कितने माइक्रो हेनरी की आती है, ये पता है आपको? जी सर, बिल्कुल। चार्जिंग में कितने माइक्रो हेनरी की लगी आती है, पता है आपको? जी सर। अच्छा, अगर कैपेसिटर अगर आपका पैरेलल में लगा है तो क्यों लगा है, सीरीज में लगा है तो क्यों लगा है, किस कारण से लगा है, कितना परसेंटेज होता है, ये पता है आपको? जी सर, बिल्कुल सर। ये डेप्थ में नॉलेज मिला है आपको? बिल्कुल सर। अभी की कंडीशन में मैं आपको बोलूँ कि आप सारे कंपोनेंट एक मोड पे चेक कर लो, तो आप चेक कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। है क्षमता आप? बिल्कुल सर। सारा कंपोनेंट चेक करवा रहे हैं? यस सर। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा है तो क्यों लगा है, पैरेलल में लगा है तो क्यों लगा है, कॉइल सीरीज में लगी है तो क्या काम करती है, अगर इन केस अगर कॉइल अगर पैरेलल में लगी है तो क्या काम कर रही है, वो सब बात। अच्छा, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा है तो क्या काम कर रहा है, ये पता है आपको? कितना परसेंटेज आता है सीरीज का और कितना परसेंट आता है पैरेलल का कैपेसिटर का, ये भी पता है आपको? यस सर। काम भी पता है आपको? यस सर। आपकी कंपोनेंट की क्लास में प्रैक्टिकल मिल रहा है आपको? यस सर। तो अभी पूरा प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं आप? यस सर। अच्छा, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर सीरीज में कितना परसेंटेज होता है, पैरेलल में कितना परसेंटेज होता है, पता है आपको? यस सर। अगर आपकी पीसीबी में अगर डायोड अगर सीरीज में लगा है तो क्या काम कर रहा है, ये पता है आपको? यस। कहाँ लगा है, किस सेक्शन के लगा लिए लगा है, क्या काम कर रहा है, ये पता है आपको? यस सर। अच्छा, तीसरी बात ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी रजिस्टर का वैल्यू आप दूसरे स्क्रैप पीसीबी में से निकाल के इसमें डाल सकते हैं? यस सर। एक ही मोड पे सारी पीसीबी को, सारी पीसीबी के कंपोनेंट चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के एक ही मोड में? यस सर। अभी मल्टीमीटर का आइडिया कैसा है आपको? बहुत बढ़िया सर, एक ही मोड में सब चेक हो जाते हैं। इतने सारे कंपोनेंट हैं और कंपोनेंट की क्लास हो चुकी है, तो ये सारे बोर्ड के कंपोनेंट को मेजर करने में आप सक्षम हैं? जी सर, सारे कंपोनेंट को। क्यों सीरीज में लगे हैं, क्यों पैरेलल में लगे हैं, ये पता है आपको? पता है सर। अच्छा, कैपेसिटर क्यों सीरीज में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, ये पता है आपको? पता है सर। अगर डायोड अगर पैरेलल में लगा है तो क्यों लगा है, पता किस टाइप से लगा है, डायोड के कितने प्रकार होते हैं, ये सारा फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? कर पा रहे सर। कर पा रहे? जी सर।
क्या कंपोनेंट वन और टू में की क्लास में जो कंपोनेंट बताए तो आप सारे चेक कर पा रहे हैं? जी सर। क्यों सीरीज में लगा होता है, क्यों पैरेलल में लगा होता है, चेक कर सकते हैं? जी सर, सब कर। उसका कारण भी मालूम है, क्यों सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है? जी सर। ठीक है, अगर मैं एक थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपको ये पता है कि किस सेक्शन में सीरीज में आते हैं अधिकतर कैपेसिटर, ये पता है आपको? जी सर। और किस क्यों लगे होते हैं ये पता है आपको? जी सर। थैंक यू। किसी भी दिखाई जा रहा आप सारे कंपोनेंट चेक कर पा रहे हैं? जी सर। सीरीज में क्यों लगा है, पैरेलल में क्यों लगा है, ये पता है? जी सर। तो वो नॉलेज मिला है कि नहीं मिला है? बिल्कुल मिला। तो जो सर की क्लास थी, देव सर की क्लास थी, अगर यही क्लास अगर कोई दूसरा टीचर देता तो इतना समझ में आ पाता? नहीं, नहीं आ पाता। उन्हीं के लिए तो आए थे। अच्छा, उन्हीं के लिए आए थे। तो बताइए मेरे को कि अभी आप कंपोनेंट देखने का नज़रिया, अभी आप तो सारे कंपोनेंट चेक कर पा रहे हैं? प्रैक्टिकली सारे चेक कर पा रहे हैं। वाई प्रैक्टिकली? वाई प्रैक्टिकली, इससे पहले नहीं कर पा रहे। क्या कर रहे हैं आप? कैपेसिटर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। ये बताइए मुझे कि आपको वो नॉलेज मिला है कि जिसके बदौलत आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं? जी सर। किसी भी आपने हाथ में बहुत बड़ी ले रखी है, उसके बाद आपको चेक करने में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही क्लास जो आपको कंपोनेंट की मिली, किन से मिली है आपको? देव सर से। देव सर, अगर इनके अलावा कोई तीसरे टीचर से मिलती है, दूसरे इंस्टीट्यूट में गए होते तो ये नॉलेज मिल पाता आपको? नहीं, इतना डीप तो नहीं मिलता। आज दूसरे दिन आप ये सब काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, कंपोनेंट चेक करने में सीरीज में क्यों लगा, पैरेलल में क्यों लगा, पूरा नॉलेज है आपको? जी। थैंक क्या कर रहे हैं भैया? मैं कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो सारे कंपोनेंट चेक कर लिया? हाँ जी, लगभग सभी हो गए। अच्छा, क्यों सीरीज में लगा होता है, क्यों पैरेलल में लगा होता है, कितने कंपोनेंट पीसी में लगे होते हैं, क्या आप ट्रेस करने में सक्षम हैं कि नहीं? जी सक्षम है। क्या परसेंटेज होता है सीरीज का, क्या परसेंटेज होता है पैरेलल का, पता है आपको? जी पता है। ठीक है, सर
चेक कर रहे हैं आप? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। अब किस प्रकार से टेस्ट करते हैं आप कंपोनेंट को? क्या एक ही मोड पे सारे चेक कर सकते हैं? हाँ, एक ही मोड पे चेक कर सकते हैं। एक ही मोड पे? तो ये तो गजब का काम है। मल्टीमीटर वाला तो 3-4 मोड देता, तुम एक मोड पे कैसे काम कर रहे हो? सर ने ट्रिक बताई ना। कर पा रहे हो अभी सभी? हाँ, सारे कंपोनेंट चेक हो रहे हैं। यस यस। कितने माइक्रो हेनरी की ये पता है आपको? लाइट में कॉइल लगी होती है। हाँ सर। बूस्ट और ग्राफिक्स में कितने माइक्रो हेनरी की लगी होती है? यस सर। अगर पावर में बक लगा है तो क्या माइक्रो हेनरी का होगा? चार्जिंग में बक लगा है तो क्या माइक्रो हेनरी का होगा? पता है आपको? यस। मतलब आप नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं। यस सर। वही नॉलेज मिल पा रहा है अभी आपको कि जो पीसीबी पे जो अभी आपने क्लास में लिया है? यस सर। यस। किन के साथ क्लास थी आपकी कंपोनेंट की? देव सर के साथ। क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं सर। अच्छा, तो कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं। हाँ सर। अगर ये बोलूँ मैं कि कोई कंपोनेंट सीरीज में क्यों लगा, पैरेलल में क्यों लगा, पता है आपको कारण? हाँ पता है सर। अच्छा, कितने माइक्रो हेनरी की लाइट में कॉइल होती है, ग्राफिक्स में कॉइल होती है, चार्जिंग में कॉइल होती है, पावर में कॉइल, कितने माइक्रो हेनरी की होती है, पता है आपको? पता है सर। अगर डिवाइडर सर्किट की बात करूँ कैसे बनता है, पता है आपको? सर पता है। पुल अप सर्किट पता है। कौन कौन लाइव है? यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। चलिए ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या क्लास था हमारा? कंपोनेंट का। इसका क्लास था डबल डेकर रिवॉल्व। डुअल डेकर रिवॉल्व किस किसने करा, ईमानदारी से बताओ। यस सर। सबने करा? यस सर। अच्छा, कोई टुक्के में करा कि तरीके से करा? तरीके से करा। तरीके से करा? यस सर। अभी मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जो यूनिवर्सल में हो सकता है सीपीयू, अगर मैं कोई सा भी सीपीयू अगर आपके सामने ला के रख दूं तो क्या आप बनाने में सक्षम है? यस सर। बना लेंगे? यस सर। कॉन्फिडेंस के तौर पर? यस सर। चलिए ठीक है। और सेकंड, आज आपकी क्लास थी देव सर के साथ कंपोनेंट की फाइनल क्लास। यस सर। तो कंपोनेंट की फाइनल क्लास देव सर के साथ क्या लेवल से सीखा आपने? क्या बोलोगे सर के लिए? और जो सर के साथ आप क्लास लेके आए हो तो उसको प्रैक्टिकल करने का प्रॉपर टाइम मिला कि नहीं मिला? मिला। अभी समय क्या हो रहा है? 9 बज रहे। आप कितने बजे आए थे यहाँ पर? 8 बजे आए थे। 9 बज रहे, तो 11-12 घंटे पढ़ाता है? 13 घंटे हो गए। 8 बजे आए थे, 9 बजे, मतलब 12 घंटे पढ़ा रहा है ना? यस सर। 13 की काउंटिंग मत करो, 12 की करो। 12 घंटे पढ़ा रहा है? यस सर। मतलब किसी का काम ऐसा कि हुआ नहीं और? नो सर। नो सर। नो सर। बताइए मेरे को। नो सर। तो ऐसा डेली काम जिस दिन का काम है उस दिन डन करवाता? यस सर। करवाता पक्की बात? यस सर। ये ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट के पास आऊंगा। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमन गोस्वामी है। मैं MP से हूँ। तो अमन, ये बताइए मुझे कि क्या क्लास थी आज आपकी? क्या सर, आज मॉर्निंग में हमारी डुअल डेकर की क्लास थी जिसमें हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल से सर हमने सीपीयू रिवॉल्व किया जिंदगी में पहली बार। सर कौन सा सीपीयू? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर? जी सर। डुअल डेकर सीपीयू आपने रिवॉल्व किया? जी सर। और उसके बाद दोपहर में फाइनल क्लास थी देव सर के साथ कंपोनेंट की आपकी? जी सर। सर ने क्या लेवल से समझाया? सर बहुत मतलब डीप लेवल से समझाते हैं, मतलब कि जिसको समझ में नहीं आता है डीप लेवल से समझाते हैं तो समझ में आता है सर, कनेक्ट करते हैं लोग सभी। और उसी का प्रैक्टिकल इस क्लास में मिला कि नहीं मिला? मिला सर, पूरा समय मिला हमको। तो
और अभी क्या अभी आपने क्या किया अभी और आखिर में? सर अभी हमने पावर आईसी चेंज किया, पावर आईसी निकाल के ऑफिस फिक्स करा जी सर। नेक्स्ट, तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज अपना। जी रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार, आज दूसरे दिन की क्लास, दूसरे दिन में क्या किया आपने? जी आज डबल डेकर यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व किया, और उसके बाद उसके साथ क्लास थी आपकी देव सर के साथ, कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट की क्लास में क्या नॉलेज और क्या सर ने नॉलेज दिया तुमको? पूरा डीप तरह से एकदम समझाते हैं और एक एक करके मतलब कि कंपोनेंट के जानकारी बताते हैं हमको। अच्छा, और उसी जानकारी को जो आप वहाँ से सीख के आए तो प्रैक्टिकल क्लास? जी हाँ पूरा किया आपने? जी हाँ, कंपोनेंट चेकिंग, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब टेस्टिंग किया। अच्छा, और ट्रेस किया। चलिए, तो कैसा लग रहा है आपको करके? अच्छा लग रहा है। चलिए, तो हमारे साथ स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश थवाई और मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। मुकेश, आज के दिन की क्लास क्या मायने रखती है आपके जीवन में? बहुत ही ज्यादा मायने रखती है सर। आज आते ही एमडी सर के साथ हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी जिसमें डुअल डेकर सीपीयू का हमने रिवॉल्विंग किया, वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। उसके बाद देव सर के साथ हमारी थ्योरी क्लास चली है जो कि कंपोनेंट का था और बहुत ही डीप नॉलेज मिला उसमें। उसके बाद 3 बजे से अभी तक उसकी प्रैक्टिकल क्लास थी जिसमें हमने पूरे कंपोनेंट के जाना, उसको ट्रेस भी किया। उसके बाद हमने पावर आईसी रिमूव भी की और वापस लगाई भी है। माउंट भी माउंट किया? यस सर। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। चला मित्रांनो, आज दुसरा दिवस आणि आजचं जे होतं त्यामध्ये समजा त्याच्यामध्ये सरांनी सकाळी आल्यानंतर आमचं जे होतं समजा आल्याच्यानंतर आम्ही सरांनी सांगितलं आम्हाला की बाबा आज आपल्याला डिवोल्डेकरचं रिवॉल्विंग करायचं, डिवोल्डेकरचं रिवॉल्विंग करण्यात मग ते आम्ही रिवॉल्व केलं आणि असं केलं की युनिव्हर्सल टेन्सिलनं केलं रिवॉल्व। त्याच्यानंतर मग देवसरांचा क्लास होता, देवसरांनी काल 2 कंपोनंट आणि आज 2 असे शिकवले। त्याच्यानंतर देवसरांचा क्लास झाल्याच्या नंतर परत आम्ही प्रॅक्टिकल क्लासमध्ये आलो, प्रॅक्टिकल क्लासमध्ये आल्याच्या नंतर त्याचं जे थेरीचं जे झालं होतं ते परत आम्ही प्रॅक्टिकल केलं त्याचं, आणि प्रॅक्टिकल झाल्याच्या नंतर 5:00 नंतर आम्हाला सरांनी वैयक्तिक MD सर जे आहेत त्यांनी आम्हाला एक बोर्डवरती पावर आयसी काढून तो कसा बसवायचा हे त्यांनी अगोदर शिकवलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही ते समजा प्रात्यक्षिक केलं। तर ते आजचा दिवस थोडा असा म्हणजे चांगला गेला असं काही नाही, जे रोज होत होतं तसं नाही काही झालेलं, आणि जे वरून जात होतं ते आता थोडं थोडं येतंय। ओके ठीक आहे, थँक्यू। सुरेश पाथरकर। हां से परभणी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो सुरेश ये बताइए, आज का दिन एशिया टेलीकॉम में दूसरे दिन की क्लास कैसी लगी आपकी? बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, तो सुबह में डबल डेकर ऐसी क्या टीम से रिवॉल्व किया, वो सक्सेस भी हुआ। ठीक है, और बाद में देव सर के साथ थ्योरी का क्लास उसमें पूरे कॉम्प्लीट किए, जानकारी। ठीक है, बाद में उसका प्रैक्टिकल किए, अभी फिलहाल में अभी पावर आई सी भी ऊँटा की बिटा पूरा क्लियर कर दिया। एकदम बढ़िया जी। जी MD आसिफ। आसिफ जी, दूसरा दिन एशिया टेलीकॉम में। जी सर, जी सुबह में आया तो मैंने डबल डेकर यूनिवर्सल से रिवॉल किया और फिर देव सर का क्लास अटेंड किया। सर बहुत अच्छे से डीप से नॉलेज दिए, अच्छे से पढ़ाए, प्रेशर को भी समझ में आते हैं अच्छे से। जी जी, और उसके बाद आपको जो आपने सर ने पढ़ाया उसका पूरा प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, पूरा प्रैक्टिकल हुआ। कोई ऐसी चीज जो छूटी हो? कोई ऐसी चीज नहीं सर। जब तक स्टूडेंट नहीं बोलता जब तक प्रैक्टिकल खत्म नहीं होता? नहीं खत्म होता है सर, इसीलिए तो इतना लेट तक अभी इतना टाइम हो रहा है सर, अभी तक चल ही रहा था क्लास। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं UP से हूँ। हाँ जी प्रदीप,
सर आज सुबह हम आए थे और 8 बजे आए थे, उसके बाद सर हमने देव सर के साथ क्लास दी थी सर। कंपोनेंट सर्कल जो रह गए थे उनको उन्होंने हमें ये समझाया बहुत डीपली तरीके से जी। और सर हमने अभी सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया है और सर परफेक्ट लगाया है, और इसके लिए सर धन्यवाद देना चाहूँगा एमडी सर को और देव सर को। सर मेरा नाम चेतन है राजस्थान से जी। आज सर कंपोनेंट की दूसरे दिन की क्लास थी हमारी, ऑयल का और डायोड के बारे में पूरा अच्छे से समझाया गया, कितने तरह के होते हैं, कैसे टेस्टिंग की जाती है और कैसे तो आपको प्रैक्टिकल करने का पूरा समय मिलता है कि पूरा शाम चार मतलब ऐसा कोई डाउट लेके जाते हो? नहीं सर पूरा आपके डाउट दिमाग में बने हो टीचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो? नहीं ऐसा पूरा डाउट के लिए अभी मैं आपको पूरा बोर्ड दूंगा ट्रेस कर लेंगे बता देंगे सर। तो हमारे साथ स्टूडेंट है जी। सर मेरा नाम वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम सैयद सलमान है और मैं उड़ीसा से हूँ जी। आज सुबह हम लोग का डबल टेकर यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम लोग रिबॉलिंग किए और उसके बाद में देव सर का क्लास था कंपोनेंट का, और हम लोग कंपोनेंट सभी सीखे जाने और ढूंढे बोर्ड में से। उसके बाद में हम लोग फिर प्रैक्टिकल भी किए और आज जो हम लोग पावर आईसी उठा के फिर से बिठाए। अच्छा तो जो भी होता है सारा प्रैक्टिकल होता है जी? जी सर सर प्रैक्टिकल। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, मेरा नाम सुब्रत सरकार, मैं आसाम से हूँ। आज सुबह यूनिवर एक्सटेंशन से डुअल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया और देव सर के साथ कंपोनेंट का क्लास था और उसके बाद प्रैक्टिस भी किया जी। प्रैक्टिस भी किया आपने? हाँ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में कोई ऐसा लेवल छूटा हो? अभी इस फील्ड से आप थे नहीं, अभी आप बिल्कुल फ्रेशर है। हाँ, तो मैं अगर कंपोनेंट की बात करूं, क्योंकि कंपोनेंट पढ़ाया मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर ने आपको, जो दुनिया का बेस्ट टीचर है, मैं उनको दुनिया का बेस्ट टीचर बोलता हूँ, पूरी दुनिया बेस्ट टीचर बोलती है। तो वो बेस्ट टीचर जो बोलते हैं देव सर को बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सर बेस्ट टीचर है वो, बेस्ट टीचर है सर, बेस्ट टीचर है। आप ये मान के चलो कि तुम्हारा और हमारा, मेरा भी प्लेजर है और तुम्हारा भी प्लेजर है ना, कि मैं उनके साथ हूँ और तुम ऐसे डेली का समझ में आ रहा है। ये जितना भी प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर जो आप देखते हो ना, ये सारा उनका ऑब्जर्वेशन में ही होता है, वो गाइड करते हैं। आज आपको ऐसा करना है, ऐसा करना, मेरे से जाके पूरा बैकअप लेते हैं कि आपने क्या पढ़ाया बच्चों को। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है एमडी सर कि जो मतलब यहाँ पे आया हो और हम बता नहीं पाए हो, ऐसा है भाई बच्चा कोई? कोई मेरे पास आया हो और उसको अपन टीच नहीं कर रहे हो? नहीं सर। उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हो? नहीं सर। बहुत बड़ी फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक और क्वेश्चन का आंसर बच्चों को मिलना चाहिए। हाँ सर। मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। परफेक्ट मिलता? परफेक्ट सर। थैंक यू जी। आज कंपोनेंट के दूसरा दिन क्लास था जी, डबल डेकर सीपीयू रिवाइव किया आपने? यस सर। अच्छा, उसके बाद आपकी जो डुअल मतलब जो आज दूसरा क्लास था देव सर के साथ, आपको क्लास कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, जो क्लास में सर ने पढ़ाया आपने प्रैक्टिकल किया? यस सर। पूरा प्रैक्टिकल किया? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जी। मेरा नाम मनोज है, मैं गुजरात से। मनोज जी बताइए, गुजरात से मनोज जी, आप बताइए मुझे कि एशियन टेलीकॉम में दूसरा दिन आपका क्या नॉलेज मिल रहा है आपको? टॉप लेवल का नॉलेज मिलता है सर जी। और उसके बाद देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट 2 की, काफी समय से इस फील्ड में हो, क्या क्या नई नई चीजें सीखने को मिल रही है आपको? बहुत खूब उतना सिखाया आज मैंने जी, जैसे कि मेरे को मालूम नहीं था डायोड कितने प्रकार के होते हैं जी और कॉइल कितने प्रकार की होती है जी, वो सब नॉलेज मुझे आज मिला है सर। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि बग भी एक सरी की दिखती है, पुष्ट भी एक सरी की दिखती है, यस सर, अगर सारी कॉइलों को मैं मिक्स कर दूँ और आपको बोलूँ कि सर इसमें से ढूंढ के निकालो कि कौन सा बग है कौन सा पुष्ट है, तो आप निकाल सकते हो? यस सर। है ट्रिक आपके पास? ठीक, ऑल द बेस्ट।
जी सर, मेरा नाम वैभव चौहान है, मैं राजस्थान से हूँ। वैभव ये बताइए, एशिया टेलीकॉम में दूसरा दिन आपका क्या नॉलेज है तुम्हारे को? सर दूसरा दिन सर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था मेरा, और जिसमें सर सबसे फर्स्ट में हमने ड्यूल डेकर यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व किया था और बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था वो। उसके बाद सर हमारी देव सर के साथ सर कंपोनेंट सेकंड की क्लास थी, उसके बाद सर हमारा वापस जो हमने कंपोनेंट की पढ़ाई की थी उसका सर वापस पूरा प्रैक्टिकल हुआ, और उसके बाद सर हाल ही में भी हमने सर पावर आईसी को वापस माउंट रिमाउंट किया है। तो सक्सेस हुआ आपसे? बिल्कुल सर सक्सेस, प्रैक्टिकल का पूरा टाइम मिलता है? बिल्कुल सर पूरा टाइम मिलता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। जी सर, मेरा नाम विशाल पटेल है, मैं गुजरात से हूँ। हाँ जी विशाल, विशाल आप एशिया टेलीकॉम में दूसरा दिन आपका, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। सर अभी तक तो मैं रिपेयरिंग करता था, पर जो मतलब क्या बोल सकते हैं अपने उसको, अंदाजित काम कर सकते, पर इधर आके जो कंपोनेंट का नॉलेज दे रहा है, हम फॉल्ट किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है वो सीख सकते, मतलब बोल सकते कि ये फाइनल है। और ये जो नॉलेज मिल रहा है ना वो एकदम डीप लेवल का है, समझो कि इतने इजी तरीके से जो ये सर पढ़ा रहे ना, मैं मानता हूँ कोई छोटा बच्चा भी फ्रेशर है ना वो भी 100% एक्सेलेंस कारीगर बन के ही जाएगा, एक्सेलेंस कारीगर बन के ही जाता है 100%। हाँ, पे आने वाला बच्चा वो 12 घंटे बैठे कि वो होना चाहिए कि नहीं, जरूरी है कि नहीं? जरूरी, अगर कोई जल्दी बाती में तो कुछ नहीं हो सकता है, उसने आना भी नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं आना। चलिए ठीक है, थैंक यू। सर मेरा नाम साहिल है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज सर मॉर्निंग में हमारी सीपीयू की रिवॉल्विंग की क्लास थी, जिसमें हमने डुअल डेकर का सीपीयू यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व किया जी। और एकदम प्रॉपर तरीके से किया। और सेकंड में हमने देव सर की कंपोनेंट की सेकंड क्लास अटेंड की, जिसमें हमने कंपोनेंट का पूरा, किसी भी पीसीबी का पूरा कंपोनेंट का नॉलेज हो गया हमें सर। अच्छा जी सर, तो ये बताइए मेरे को कि यहाँ पे प्रैक्टिकल का पूरा टाइम मिलता है? जी सर पूरा टाइम मिला हमको प्रैक्टिकल का, हम सुबह 8 बजे से आए थे, हमारी क्लास 9 बजे तक चली है, 13 घंटे की क्लासें चली है, 13 घंटे की क्लास जी सर। तो आर यू सैटिस्फाइड विद दिस क्लास? यस सर, आई एम सैटिस्फाइड। मैं मुकेश कुमार। हाँ जी मुकेश, बताइए एशिया टेलीकॉम में दूसरा दिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एशिया टेलीकॉम में, थोड़ा शेयर करेंगे? आज एशिया टेलीकॉम में मेरी दूसरी क्लास हुई सर, फर्स्ट में 8 बजे आने के बाद सबसे पहले डुअल डेकर सीपीयू हम सभी ने रिवॉल्व किया उसको जी। और उसके बाद देव सर के साथ हम सभी की थ्योरी की क्लास हुई, जिसमें कंपोनेंट्स के बारे में हम सभी को डीपली जानकारी मिली सर। उसके बाद क्लास थ्योरी के बाद फिर से दोबारा जो थ्योरी हुई उसी की प्रैक्टिकल एमडी सर के साथ हुई, और अच्छा समय हम सभी को मिला और फुल कंपोनेंट्स की जानकारी, और सर ने अगर हम सभी को कोई कमी महसूस हुई तो सर हाथ पकड़ के हम सभी को बताएं सर। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो सवाल होते हैं उनका आंसर मिलता है कि सबसे पहले डाउट्स क्लियर होते हैं? बिल्कुल होती है सर, डाउट्स क्लियर होते हैं, बिल्कुल होती है, हर चीज़ का समाधान है अपने पास? ओके हाँ सर। तो ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद दीन है, मुंबई से हूँ। तो दीन बताइए एशिया टेलीकॉम में दूसरा दिन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर, सुबह सुबह हमने पहले डोर लेकर का रिवॉल्विंग किया है, ठीक है, फिर देव सर का क्लास था कंपोनेंट था, उसके बाद इतने टाइम हमने पावर ऐसे निकाल के रिवॉल्विंग करके वापस लगाया। तो और उसके बाद कंपोनेंट की क्लास होने के बाद जो 4-5 घंटे का पूरा टाइम दिया कि नहीं दिया कंपोनेंट? पूरा टाइम, पूरा कंपोनेंट, पूरा टाइम दिया, पूरा टाइम। क्या सीरीज होता है, पैरेलल होता है, क्या कपलिंग होता है जी सर, क्या बूस्टिंग होता है, उसकी पूरी फुल जानकारी मिली, पुल अप सर्किट क्या होता है, पुल डाउन सर्किट क्या होता है, है ना, रजिस्टर का वैल्यू कैसे निकालना है, है ना, तो सारा नॉलेज है कि नहीं है? है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। जी तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए नाम बताइए अपनी और आप कहाँ से? शमशाद आलम, मैं झारखंड से। झारखंड से शमशाद, शमशाद दूसरा दिन झारखंड से जबलपुर, क्या सोच के आए थे, क्या मिल रहा है आपको? सर जो सोच के आया तो उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बताइए आपकी देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट की, क्या तरीका, क्या सलीका पढ़ाने का, किस तरीके से एक्सप्लेन किया, तो जो सर ने एक्सप्लेन किया वाकई में आप कर पाए कि नहीं कर पाए? जी सर एकदम कर पाया, 100% बोल सकता हूँ, एकदम 100% पूर्ण रूप से आप सेटिस्फाई हैं इस क्लास से, प्रैक्टिकल से? प्रैक्टिकल से भी। अच्छा चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। Thank you.
जी मेरे साथ स्टूडेंट है, मेरा नाम उस्मान अहमद। हाँ जी उस्मान, ये बताइए, मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा, आज जो आपका दिनचर्या था आप प्लीज शेयर कीजिए उसको। सुबह सुबह में हमारे जो है ना डोर टेकर जो है ना रिबोल किया हमने यूनिवर्सल एक्सटेंशन से जी, और सक्सेसफुल रहा जी। उसके बाद में जो है ना देव सर के साथ में हमारी जो है ना कंपाउंड सेकंड क्लास थी जी, बेहतर बहुत बेहतरीन रही। और उसके बाद में जो है ना फिर जो है ना इसके बाद प्रैक्टिकल एम डी सर के साथ में, उनका भी गजब क्या कहने, देव सर तो ही कमाल लेकिन एम डी सर की हमारी बहुत कमाल है, बहुत कमाल पढ़ाते, बहुत अच्छे समझाते हैं। और उसके बाद में जो है ना अभी शाम को हमने जो है ना आईसी जो है ना माउंट की वो भी सक्सेसफुल हुई, फर्स्ट टाइम मतलब लगाया भी फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम ही सक्सेसफुल। तो आप कल लाइव पावर लगाएंगे चालू मोबाइल से निकाल के? बिल्कुल 100% मैंने 100% मेरा नाम आयुष है सर, मैं बिहार से आया हूँ। आज डबल डेकर का MMC रिवॉल्विंग था और यूनिवर्सल एक्सटेंशन से मैं रिवॉल्व किया और बहुत अच्छा रिवॉल्व हुआ सर। और तो यहाँ पर आप स्किल लेने आए हो कि प्रैक्टिस करने आए? स्किल लेने आए सर। स्किल लेने आए, तो स्किल मिल रही है? हाँ सर। अगर एशिया टेलीकॉम बोलता है कि एशिया टेलीकॉम में जो भी स्टूडेंट आएगा हम उसको 21वीं स्किल देंगे, तो वाकई में किसवा तरीका है आपके पास? हाँ सर देता है सर। रिसेंट तरीका? हाँ सर। और वन टाइम पे काम होता है? हाँ सर। और उसके बाद बताइए कंपोनेंट की क्लास देव सर के साथ किया? बहुत अच्छा था सर। और उसके बाद आपने पूरा प्रैक्टिकल किया है सर? हाँ सर पूरा प्रैक्टिकल किया, पैड टू पैड प्रैक्टिकल किया। हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। मेरा नाम यासीन है। हाँ जी। आज डुअल डेकर का क्लास था सर और कॉम्पोनेंट का क्लास था जी। हम पहले डुअल डेकर CPU रिवॉल्व किए जी, और कॉम्पोनेंट का क्लास किया देव सर से जी, और प्रैक्टिकल भी किए जी, और बहुत सारा कॉम्पोनेंट सब ट्रेस किए जी, जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था जी। यहाँ पे आने के बाद डीपली नॉलेज मिला है